हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको टायर प्रेशर के बारे में बताएंगे। गाड़ी में अगर टायर प्रेशर ज़्यादा है तो क्या दिक्कतें आती हैं, और टायर प्रेशर लो है तो क्या दिक्कतें आती हैं। जैसे कि आप ये टायर देख रहे हैं, अगर आपकी गाड़ी में टायर प्रेशर लो है तो ये दोनों सिरे जो हैं आपकी गाड़ी के ज़्यादा घिसेंगे। देख रहे हैं आप, फ्रंट में दोनों सिरे ज़्यादा घिसेंगे टायर प्रेशर लो होने से, और आपकी गाड़ी एवरेज भी कम देगी। टायर प्रेशर लो होने से गाड़ी एवरेज कम देगी, जिससे कि आपके टायर ये ज़्यादा घिसेंगे। और अगर टायर प्रेशर ज़्यादा है तो भी दिक्कतें आएंगी। उस कंडीशन में आपके ये जो बीच वाला ट्रेड है, ये दो देख रहे हैं आप ट्रेड, ये वाला पोर्शन ज़्यादा घिसेगा, ये वाला, क्योंकि टायर प्रेशर ज़्यादा होने से ये वाला जो सिरा है, ये कांटेक्ट रोड के कांटेक्ट में ये वाला सिरा आता है, जिससे कि ये वाला सिरा ज़्यादा घिसेगा, ये ट्रेड ज़्यादा घिसेंगी। और आपको ब्रेकिंग ब्रेकिंग में भी बहुत दिक्कतें आएंगी, ब्रेक सही से नहीं लगेंगे, क्योंकि आपका जो टायर है, टायर जो है आपका पूरा कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा, रोड के कॉन्टैक्ट में ना आने की वजह से आपकी ब्रेकिंग सिस्टम काफ़ी ख़राब होगा और आपको दुर्घटना भी हो सकती है इस वजह से। तो इसलिए दोस्तों, टायर प्रेशर हमेशा एक्यूरेट रखें, और हर गाड़ियों में टायर प्रेशर, मैं दिखा देता हूँ आपको कहाँ लिखा रहता है। आप फ्रंट डोर खोलेंगे, फ्रंट डोर चेसिस के पास आपका ये टायर प्रेशर, हर डोर के आगे, फ्रंट डोर के आगे देखेंगे आप टायर प्रेशर का एक स्टिकर लगा रहेगा। ये स्टिकर हर गाड़ी में आपको अवेलेबल होगा, फ्रंट में देखिए टायर प्रेशर हर गाड़ी में अवेलेबल पाएगा आपको। टायर प्रेशर देख लिया आपने, देखिए हर गाड़ी में आपको अवेलेबल मिलेगा। तो आप टायर प्रेशर इसको देख के आप टायर प्रेशर एक्यूरेट कर सकते हैं। सो थैंक्स, इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करिए।